हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था और इसी दौरान एक लिस्ट वायरल हुई। अब कांग्रेस की तरफ से इस लिस्ट का खंडन किया गया है और कहा गया है कि यह फेक लिस्ट है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को फेक कहा गया और यह भी कहा गया कि कोई लिस्ट अभी कांग्रेस की उम्मीदवारों की जारी नहीं हुई है। इस लिस्ट में कई नामों का जिक्र है, यह लिस्ट वायरल हो रही है, यह फेक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें अंबाला से वरुण मुलाना का नाम है, सिरसा से कुमारी सैलजा का नाम है, हिसार से बिजेंद्र सिंह का नाम है, इसके अलावा रोहतक से आशा हुड्डा का नाम है। और इस लिस्ट को लेकर अब लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम है, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह का नाम है। यानी इस लिस्ट के हिसाब से, इस फेक लिस्ट के हिसाब से श्रुति चौधरी की टिकट भिवानी महेंद्रगढ़ से कट गई है और गुड़गांव से टिकट मिल गई है राज बब्बर को। इस फेक लिस्ट के हिसाब से फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह का नाम है और करनाल से वीरेंद्र मराठा का नाम है इस फेक लिस्ट के हिसाब से। हालांकि इस लिस्ट पर लगातार अब कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का भी बयान आया है। कांग्रेस की फेक सूची वायरल होने पर बोले उदय भान, इस सूची में, इस लिस्ट में कोई सच्चाई नहीं, ये लिस्ट पूरी तरह से फेक है, किसी ने षड्यंत्र के तहत लिस्ट वायरल की है, फर्जी लिस्ट किसने बनाई और वायरल की इसकी जांच करेंगे और हमारी सूची जब भी जारी होगी तब बताया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी है, कांग्रेस नेतृत्व का फैसला होना है, अभी सूची को लेकर कोई देरी नहीं हुई, उदय भान का बयान। कांग्रेस प्रत्याशियों की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है, सर क्या कहना चाहेंगे आप, फेक है, सही है, क्या कहेंगे सर? इस सूची में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से फेक है और ये पता लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि ये षड्यंत्रकारी कौन है जिसने फेक लिस्ट जारी की है। अधिकृत सूची जब भी जारी होगी आपको बता दूंगा। सर फिर भी कब तक हम माने कि सर जो है, क्योंकि लंबा मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आया, कई दौर की मीटिंग हो गई है, कब तक उम्मीदवार खत्म होता हुआ नजर आएगा? सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लेना है और वो देखेंगे कि कब सूची जारी करनी है, ये उन्हें सोचना है और मैं समझता हूँ कि अभी कोई देरी नहीं है, 29 अप्रैल से नॉमिनेशन शुरू होने हैं, उससे पहले पहले स्टार्ट। और इस वक्त हमारे स्टेट है जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस फेक लिस्ट को लेकर काफी चर्चाएं हरियाणा में एकदम से तेज हो गई, हालांकि कांग्रेस की तरफ से तुरंत इसका खंडन किया गया। जितेंद्र, कई बार देखा गया कि चुनाव के माहौल के बीच इस तरह से लिस्टें वायरल होती हैं, जारी कर दी जाती हैं और कांग्रेस के इंतजार के साथ साथ जिस तरह से इस लिस्ट में नामों का जिक्र किया गया है, हालांकि बहुत हद तक कुछ नाम तो उसमें से आ ही जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि इस लिस्ट के खिलाफ हम कार्रवाई भी कराएंगे, कहां से ये वायरल हुई, किसने इसको बनाया है, तो क्या लगता है ये दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से या फिर कांग्रेस के अंदर से ही, हालांकि जांच का विषय है? देखिए बिल्कुल नासिर, जहां तक बात की जाए इस लिस्ट की, तो ये लिस्ट पूरे तरीके से फर्जी लिस्ट है, फेक लिस्ट है, यानी ऑफिशियली इस लिस्ट को जारी नहीं किया गया है। जहां तक बात की जाए इस लिस्ट में नामों को लेकर के, संभावित नामों को लेकर के लगातार मीडिया, सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लगातार सूत्रों के हवाले से जो नाम निकल करके आ रहे हैं, चर्चा के आधार पर कुछ नाम निकल करके आ रहे हैं, उन्हीं नामों को इस लिस्ट के अंदर भी शामिल किया गया है। जहाँ तक बात की जाए इस लिस्ट की, क्योंकि ये पूरे तरीके से फर्जी है, इस बात की ओर इशारा करती है कि या तो कांग्रेस के ही किसी नेता के जो समर्थक जो चाहते हैं कि इस प्रकार से टिकट वितरण होना चाहिए, उन्होंने इस प्रकार की शरारत की है, या फिर जो है अलग तरीके से इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। तो इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जांच की बात जो है वो AICC की तरफ से कही जा रही है कि इसको लेकर के जांच जो है वो करवाई जाएगी। हमने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान भी अपने दर्शकों को सुनवाया है और खबरें अभी तक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को ये बताने का काम कर रहा है कि इस लिस्ट पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही इसके अंदर जो नाम दिए गए हैं उन नामों को लेकर के लगातार सूत्रों से भी, उनमें से कुछ एक नाम जो है वो लगातार मीडिया, सोशल मीडिया पर चल रहे थे, लेकिन ऑफिशियली अभी इस प्रकार की कोई भी आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। इस बात को हम लगातार अपने दर्शकों को बताने का काम कर रहे हैं और इस पर किसी प्रकार का फिलहाल भरोसा करना ठीक नहीं है जब तक ऑफिशियली लिस्ट को जारी ना किया जाए और इसी के आधार पर इस प्रकार की ये जो लिस्ट है वो वायरल नजर आ रही है, ये पूरे तरीके से फेक है, चाहे वो उनके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी और माध्यम से जो है मिल रही हो,
लेकिन इस लिस्ट को लेकर के हम लगातार ये जानकारी देने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक इसमें नामों को लेकर के बात की जाए, नासिर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें खबरें अभी तक की तरफ से भी दिखाया गया था कि इन्हें जो है लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर रखा गया है, लेकिन ऑफिशियली किसी बात को तब तक नहीं कहा जाता जब तक कि उसको लेकर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए, और वो अभी तक नहीं हुई है और ये लिस्ट पूरे तरीके से फेक है। जी अच्छा, एक बात मैं इस पर आपसे और पूछना चाहता हूँ बहुत संक्षिप्त में, कि जाहिर सी बात है कि इन नामों में से कुछ नामों की चर्चा चल रही है और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें एक नाम आया है रोहतक से, आश अड्डा का, फेक है, ये हम सबको मालूम है, कांग्रेस ने भी खंडन कर दिया है। लेकिन अब अगर इसी तरह से या सेम टू सेम लिस्ट आ जाती है मान लीजिए, तो फिर ये हम मान लें कि वे कांग्रेस के अंदर से ही कहीं से कुछ ऐसी हरकत हुई है। जितेंद्र शायद फ़ोन कट गया है, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, और अब हम अगली खबर की तरफ भी रुक करेंगे। एक तो कांग्रेस की फेक लिस्ट, इस लिस्ट का कांग्रेस ने खंडन किया, तो उसी के साथ एक नेता है हरियाणा में बीजेपी के,